जय हिंद, मदरसन सुमी एक इटालियन कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। यह खबर अब तक आपको मिल गई होगी, नहीं भी मिली होगी तो इस वीडियो में इस खबर के बारे में हम लोग तफसील से जानेंगे। एक समय था जब टाटा ने भी जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर करके इतिहास रच दिया था, तो क्या मदरसन सुमी भी कुछ कुछ ऐसा ही करने जा रही है? और मदरसन सुमी जो यह काम करने जा रही है, यानी कि जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, इस एक्विजिशन को लेकर कंपनी के शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में और आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, क्या कंपनी आगे बढ़ पाएगी और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर वीडियो में एकदम आसान भाषा में बात होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। यह कंपनी ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर का काम करती है भारत में। समझिए, यह सिर्फ ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि स्पेयर पार्ट्स, उसको बनाती है, गाड़ी नहीं बनाती है, समझ गए। अब कुछ दिन पहले इसका DWS का जो बिजनेस था डीमर्ज हुआ था, उसके बाद कंपनी एम सुमी के नाम से दोबारा शेयर बाजार में लिस्ट हुई है और लगभग सबके डीमैट अकाउंट में इसका शेयर शो करने ही लगा होगा। कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर यह वीडियो है। समझिए, नया अपडेट यह है कि मदरसन सुमी एक इटालियन कंपनी है जिसका नाम है मैरेली कंपनी, उसको एक्वायर करने जा रही है। अब देखिए, इसको मारेली पढ़े कि मैरेली पढ़े, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। हम लोग भारतीय आदमी हैं, ज़्यादा किसी शब्द पर जोर देना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बल लगता है और हम लोग मेहनत का काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे लोग मारेली बोलेंगे, लेकिन इसका शुद्ध नाम होगा मैरेली। मैरेली इटालियन लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो यह इटालियन कंपनी है और यह काम क्या करती है, तो यह भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मेकर कंपनी है। ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, वही यह भी बनाती है, लेकिन यह इटली में बनाती है। और अब जो अपना मदरसन सुमी कंपनी भारत का, इस कंपनी को एक्वायर करने की बात कह रही है। मदरसन सुमी इटली में काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी, जैसे यह भी तो 62,000 से 63,000 करोड़ की कंपनी है भारत में, वहाँ भी यह मैरेली जो कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं KKR, देखिए KKR यह कलकत्ता नाइट राइडर्स भारत वाले नहीं है, KKR इटालियन में है, यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इसी के पास इस कंपनी का ओनरशिप है मैरेली का। यहाँ तक आप बातें समझ गए, अब आइए यहाँ समझते हैं। यह जो एक्विजिशन होने जा रहा है, इसको लेकर जो अनाउंसमेंट होना है, वह हो सकता है कि मई जून के लास्ट में अनाउंसमेंट पूर्ण रूप से होते हुए दिखे। अभी तो ये खबर है, इनसाइडर खबर है, पूर्ण रूप से ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये खबर इनसाइडर है, पेपर में आया था, जिसको मैंने पढ़ा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कैसा हो सकता है। जब हो जाएगा पूर्ण रूप से फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब ऐसा हो गया, अभी जो होने वाला है उसके बारे में एक छोटा सा आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो समझेंगे, यह जो डील होगा मई जून के लास्ट तक होते हुए दिख सकता है। और अभी तक मदरसन सुमी ने कोई डाटा रिवील नहीं किया है, यानी कि ये नहीं बताया है कि कितने रुपयों में इस मैरेली कंपनी को मदरसन सुमी खरीदेगी, और जब दो कंपनियों का एक्विजिशन होगा तो उनका नया नाम क्या होगा, या मदरसन सुमी ही जो नाम है इसी के नाम से इस कंपनी को दोबारा मतलब एक्विजिशन होने के बाद भी चलाया जाएगा। तो बहुत सारे बातें हैं, ये सब जब डील पक्का हो जाएगा मई जून के बाद, उसके बाद निकल कर बातें सामने आएंगी, तो फिर मैं बताऊँगा। फिलहाल आप समझते चलिए, मदरसन सुमी जो कंपनी है इसको एक्वायर करने के लिए अपना फंड बढ़ा रही है। अब कंपनी खरीदना है, कोई दुकान तो खरीदना है नहीं, इसीलिए कंपनी को जरूरत है अपना फंड धीरे धीरे बढ़ाते रहे, और कंपनी अपना फंड बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब यह डील फाइनल हो जाएगा, यानी कि मदरसन सुमी मैरेली कंपनी को एक्वायर कर लेगी, उसके बाद मदरसन सुमी भारत की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी बन जाएगी। ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं, गाड़ी बनाने वाली नहीं, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली, पार्ट पुर्जों को बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और अगर ग्लोबली स्तर पर देखें इस एक्विजिशन के बाद, तो यह ग्लोबली स्तर पर टॉप 10 में शामिल हो जाएगी। मदरसन सुमी जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी होगी। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए। अब समझिए, यह जो कंपनी है मैरेली, इसका मार्केट कैप थोड़ा सा मदरसन सुमी से अधिक है, अधिक बहुत अधिक है, लेकिन यह कंपनी का फंडामेंटल फिलहाल इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है। और कंपनी हालांकि डूबने के कगार पर तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल बहुत इसका स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मदरसन सुमी चाहते हैं इसको एक्वायर कर ले, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सामान्यतः जब कोई कंपनी डूब रही होती है तभी कोई दूसरी कंपनी उसको एक्वायर करना चाहती है और करती भी है। जैसे भारत में आपने देखा कि सिंटेक्स इंडस्ट्री अभी डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी आ गई है और उसको एक्वायर कर ली। इसी तरह रोहित फेरोटेक का उदाहरण आपके सामने, कुछ दिन पहले ये कंपनी डिलिस्ट हुई है, यह कंपनी भी डूबने के कगार पर थी, लेकिन टाटा स्टील ने इसको बचा लिया और इसको एक्वायर कर लिया। तो सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जब कोई कंपनी डूबने वाली होती है तो उस क्षेत्र की या कोई भी बड़ी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, और यह सामान्यतः बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा ही होता है। तो मदरसन सुमी, अब आप पूछ सकते हैं, आपको मन में सवाल आ सकता है कि मैरेली जब फंडामेंटली तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मार्केट कैप मदरसन सुमी से काफ़ी अधिक है, तो यह इसको एक्वायर कैसे करेगी, एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी को एक्वायर कैसे करेगी? तो देखिए, मदरसन सुमी के पास इस काम का बहुत बड़ा तजुर्बा है। इसके पहले भी मदरसन सुमी ने करीब 28-29 कंपनी को एक्वायर किया है, करीब करीब उसमें चीन, मैक्सिको, तुर्की, अलग अलग जगह से कंपनी को एक्वायर किया है। इसके पास तजुर्बा है कि कैसे
किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेना है, अपने मिला लेना है और उसको अच्छा तरह से चला भी लेना है। तो इसलिए डरने और घबराने कोई बात नहीं है, मदरसन सुमी इस डूबते हुए कंपनी को भी तिनके का सहारा देगी और इसको अपने मिला के अच्छे से चला भी लेगी, इस बात का पूरा आप भरोसा रखिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जब यह एक्विजिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मदरसन सुमी का शेयर प्राइस पर, मदरसन सुमी कंपनी पर इस एक्विजिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जब यह एक्विजिशन पूरा हो जाएगा तो आने वाले समय में जरूर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मदरसन सुमी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा होगा। इसलिए अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो न्यूज है, इस पर नज़र बनाकर रखिए, आपके लिए फायदामंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी बातें बताई आपको समझ में आई होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं समय देकर सबकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।